बीजेपी की जीत तय करने और अपने चहेते नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नजर अब मुसलमानों पर है। इसी कवायद में संघ ने मुस्लिम एजेंडे की जिम्मेदारी अपने उप संगठन मुस्लिम राष्ट्रीय मंच को सौंपी है। संघ ने अपने इस उप संगठन के जरिए 5 करोड़ मुस्लिमों को मोदी के साथ लाने की कोशिश शुरू कर दी है। हालांकि कोशिश का नतीजा 16 मई को ही पता चलेगा। आपसे कह रहा हूं कि चिराग आंधियों में भी जल सकते हैं, खेल लोकतंत्र के अंगार उगल सकते हैं। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की यह सभा देश की सियासी दिशा बदल सकती है। रोशनी डालेंगे मुसलमानों को मोदी के पक्ष में करने के लिए आरएसएस ने एड़ी चोटी का दमखम लगा दिया है। मोदी के मिशन 272 प्लस को हकीकत में बदलने के लिए आरएसएस ने भी चुनावी दांव फिट करने की कोशिश की है। संघ जानता है कि टारगेट 272 को मुसलमान वोट बैंक के बगैर पूरा करना मुश्किल होगा, लिहाजा संघ ने मुसलमानों को रिझाने के लिए अपने संगठन मुस्लिम राष्ट्रीय मंच को जिम्मा सौंपा है। हम ये चाहते हैं कि अगला प्रधानमंत्री जो बनेगा देश का, वो संघ का स्वयंसेवक बनना चाहिए, आरएसएस का स्वयंसेवक बने, क्योंकि हमने अटल बिहारी का काल देखा है, उसमें मुसलमानों के साथ जो ट्रीटमेंट जो व्यवहार हुआ वो देखा है, इसलिए हम कहते हैं कि अगला प्रधानमंत्री ये आरएसएस का स्वयंसेवक बनना चाहिए। दरअसल मुस्लिम राष्ट्रीय मंच संघ का एक उप संगठन है जो मुसलमानों के बीच मोदी के प्रति संदेह की खाई को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। संघ इस मंच से 5 करोड़ मुस्लिम वोटरों को मोदी के पक्ष में करना चाहता है, लेकिन कांग्रेस संघ के इस बदले चेहरे को सिर्फ चुनावी नौटंकी करार दे रहा है। आरएसएस का तो एजेंडा ही हिंदुज्म है, तभी तो वो आरएसएस का हेडक्वार्टर यहाँ नागपुर में ही है, लेकिन यहाँ 15 अगस्त और 26 जनवरी को यहाँ तिरंगा नहीं लहराते वो लोग, उनका आज भी इस देश की घटना पर और इस देश के कल्चर पर उनका विश्वास नहीं है। अब 272 का ये जादुई आंकड़ा लाने के लिए वो मुस्लिम लोगों को कुछ भी आश्वासन दे सकते हैं। अपनी रैलियों में या फिर मुस्लिम ट्रेड फेयर को संबोधित करते हुए मोदी ने मुसलमानों को रिझाने की कोशिश की, उन्हें वोट बैंक का शिकार होने से बचने की नसीहत दी। मोदी मुसलमानों को दबी जुबा में समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो खुलकर मुसलमानों को रिझाना भी नहीं चाहते। आखिर वो जिन्ना के मुद्दे पर आडवाणी का हश्र देख चुके हैं, लिहाजा एक एक कदम सोच समझ कर उठाया जा रहा है। आरएसएस को डर है कि कहीं मुस्लिम वोट बैंक ने मोदी को नकार दिया तो ये लहर कहीं हवा ही न रह जाए। योगेश पांडे, नागपुर, आज तक। ये पहली बार हो रहा है कि अलग अलग राज्य के आंकड़े बताकर मुसलमानों को रिझाने की कोशिश की जा रही है। नरेंद्र मोदी बिहार के पूर्णिया पहुंचे तो सचर कमेटी के आंकड़े बताए और कहा कि बिहार की तुलना में गुजरात में मुसलमानों का ज्यादा विकास हुआ है। मुस्लिम अगर वोट बैंक है तो फिर मुस्लिम को गुजरात और बिहार में बांटा नहीं जा सकता, और राजनीतिक हुनर में माहिर कांग्रेस का सियासी सच अब तक का तो यही है कि उसने आजादी के बाद से मुस्लिमों को राज्यों में नहीं बांटा। लेकिन पीएम की रेस में सबसे आगे दौड़ते भारतीय राजनीति के नए खिलाड़ी नरेंद्र मोदी ने आज बिहार के मुसलमानों को गुजरात के मुसलमानों के हालात बताकर लुभाने का काम जरूर किया। गुजरात का सेकुलरिज्म सच्चा सेकुलरिज्म है जो सबकी भलाई के लिए काम करता है, सबका साथ सबका विकास लेकर के चलता है। भारतीय जनता पार्टी ध्यान दे तो ये अपनी तरह का पहला मौका है जब बिहार के मुसलमानों को लेकर गुजरात के मुसलमानों से तुलना सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के आईने में और किसी ने नहीं बल्कि मोदी ने की। इसका मतलब बहुत साफ है कि जिस लिहाज से सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई उसमें पहली बार राजनीतिक समीकरण बीजेपी अपने अनुकूल देख रही है, वह भी गुजरात को लेकर। मुसलमानों के नवजात बच्चों की मृत्यु 1000 में 71 होती है, जबकि गुजरात में मुसलमानों में 1000 बच्चों में 1000 बालकों में सिर्फ 34 बच्चों की मृत्यु होती है। 5 वर्ष की आयु के बच्चे बिहार में 1000 में 100 मर जाते हैं, गुजरात में सिर्फ 50 मरते हैं। दरअसल राजनीतिक तौर पर देश में मुस्लिमों का यह संकट है कि उन्हें वोट बैंक के दायरे से कभी बाहर निकालकर देखा नहीं गया, और जातीय राजनीति ने मुस्लिमों के सामने न्यूनतम जरूरत पाने से लेकर सत्ता की मलाई खाने तक की स्थिति में वोट बैंक बने रहने पर मजबूर कर दिया। इसीलिए देश के जिन 145 सीटों पर जातीय वोट बैंक के साथ मुस्लिमों का गठजोड़ सत्ता बनाता है वहां बीजेपी जीत नहीं पाती, और बंगाल, असम और कश्मीर के जिन 27 सीटों पर मुस्लिमों का एकाधिकार है वहां भी बीजेपी मायने नहीं रखती।
बीजेपी देश की सिर्फ उन 18 सीटों पर चुनाव जीतती है जहां धर्म के आधार पर वोट बढ़ जाए और जातीय समीकरण के साथ गठबंधन का कोई आधार मुस्लिमों के साथ ना बने वहां बीजेपी जीत जाती है। असल में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट इस मायने में महत्वपूर्ण है कि उसने भी राज्यों में बांटकर मुस्लिम समाज का अध्ययन तो किया लेकिन इस बात का कभी जिक्र नहीं किया कि किस राज्य की गवर्नेंस के मद्देनजर मुस्लिमों को विकास से जोड़ा गया या उनके सामाजिक आर्थिक हालातों में और बेहतरी आई। राजनीतिक तौर पर ही मुस्लिमों का आकलन हर दृष्टि से हुआ और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट भी राजनीति की बिसात पर महज एक प्यादा बनकर रह गई और यही बड़ी वजह है कि सच्चर कमेटी की पूरी रिपोर्ट देश के सामने आ नहीं सकी, जिससे मुस्लिमों को लेकर सरकारें क्या करती रही हैं या फिर राज्य सरकारों में कोई विकास का मॉडल मुस्लिमों को लेकर आया है या कभी किसी मुख्यमंत्री ने बेहतर गवर्नेंस के जरिए मुस्लिमों के हालात बेहतर और बेहतर किए हैं, इसका आकलन इस देश में हो नहीं पाया है। और बीजेपी के लिए यह इसलिए महत्वपूर्ण हो चला है क्योंकि यूपी बिहार बंगाल की कुल 162 सीटों में से 98 सीटें सीधे सीधे मुस्लिम प्रभाव वाली हैं और मोदी का मुस्लिम प्रेम का दाव भी इन्हीं सीटों को लेकर है। ऐसे मोड़ पर मोदी का मुस्लिम बखान 2014 के जनादेश में क्या असर दिखाता है इसका इंतजार तो करना पड़ेगा, लेकिन ये एक नई तरह की सियासत है कि पहली बार मुस्लिमों को अलग अलग प्रांतों के नजरिए से देखने की बात खुले तौर पर देश के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर की जा रही है। आज तक ब्यूरो। मुसलमानों को रिझाने के लिए संघ, बीजेपी और मोदी कड़ी मशक्कत कर रहे हैं। पूर्णिया की रैली में बीजेपी के पीएम उम्मीदवार ने सच्चर कमेटी के हवाले से कई आंकड़े बताए, कहा कि बिहार के मुसलमान काफी पिछड़े। बिहार में शहरी मुसलमानों में गरीबी की तादाद 45% है और जिस गुजरात को गालियां दी जाती हैं वहां सिर्फ 24% है, आधे से कम। ग्रामीण मुसलमानों की गरीबी बिहार में 38% है, 38%, गुजरात में सिर्फ 7%। डूब मरो सेक्युलर के नाम पर मुसलमानों को बर्बाद करने वाले, डूब मरो। शहरी मुसलमान के द्वारा प्रति व्यक्ति मासिक खर्च बिहार में 550 रुपया और गुजरात में 875 रुपया मुसलमान खर्च करता है। ग्रामीण मुसलमान द्वारा प्रति व्यक्ति खर्च बिहार में 426, गुजरात में 670। मुसलमानों में श्रमिक रोजगारों की दर बिहार में 47 रुपीज है, गुजरात में 61 रुपीज है। मुसलमानों में साक्षरता बिहार में 42% है सिर्फ, गुजरात में 74% है। भाइयों 74%।